मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अगाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? ये लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बिगाड़ा गया। उनके बात कर रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, आपको लगता है ये कुछ नहीं चला? क्योंकि बेकारी तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो सेक्युलर होती है, जैसे बेकारी है, महंगाई है, वो सेक्युलर है। सभी को महंगाई की मार पड़ रही है, सभी को जो बेरोजगारी है वो सता रही है, तो ऐसे कुछ नहीं। मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे, जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अगाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक 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 सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। आपकी के पार्टी के नेता संजय राउत का बयान आया कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनता कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है बार बार उठता जा रहा है कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहां पे वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा, सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव हैरान करने वाला है, और इस पे मैं मानती हूं कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? महाराष्ट्र के बारे में जैसा कि पवन खेरा जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि टारगेटेड तरीके से निशाना बनाकर ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, जो बार बार चुनाव आयोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ा गया है जानबूझकर, निशाना बनाकर, टारगेटेड तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बिगाड़ा गया। चुनाव के नतीजे आए हैं, ये अप्रत्याशित हैं हमारे लिए, महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं, हमारे लिए अति आश्चर्यपूर्ण, और मैं समझता हूं ये भी कहा जा सकता है ये अकथनीय है। इसका कोई समझने की कोशिश करेगा वो समझ नहीं पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।